गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रूव कर रहे हैं स्टीयरिंग फार्मूला। स्टीयरिंग फार्मूला प्रूव करने से पहले हमने लास्ट टू वीडियोस में क्या किया था, इसके लेमा प्रूव किए थे, लेमा वन और लेमा टू। अब हमने क्या प्रूव करना है, जो स्टीयरिंग फार्मूला है आपका, वो यहाँ पे लेमा वन और लेमा टू का यूज होगा। इसमें क्या कह रहा है कि आपको प्रूव क्या करना है कि जो आपका गामा जेड है वो किसके सिमिलर हो, आपके जेड जेड की पावर माइनस में वन बाई टू ई रेज टू पावर माइनस जेड आपके अनरूट में टू पाई, कब, जब आपका मॉडुलस ऑफ जेड किसके ऊपर जाएगा, इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, जो आपका गामा जेड गिवन है, गामा जेड की वैल्यू ले ली ई रेज टू पावर माइनस में गामा जेड बाई में जेड पाई एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन प्लस में जेड बाई में एन माइनस में वन ई रेज टू पावर जेड बाई एन। हम ये पहले भी कई बार बता चुके हैं कि आपका क्या हो जाएगा, गामा जेड किसके इक्वल है, वन बाई में जेड ई रेज टू पावर गामा जेड और जी ऑफ जेड। जी ऑफ जेड आपका क्या है, वेस्टरेस प्राइमरी फैक्टर। तो वेस्टरेस प्राइमरी फैक्टर की वैल्यू आपने ये पुट अप कर दी है, ठीक है, नीचे थी तो ऊपर जाएंगे तो आपकी ये क्या हो गई, नेगेटिव। वेस्टरेस प्राइमरी फैक्टर आपका क्या होता है, जी जेड आपके पास होता है प्रोडक्ट है वन प्लस में जेड बाई में एन, ठीक है, और e रेज टू पावर माइनस में z बाई एन। अब ये नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर आपकी नेगेटिव में आ जाएगी, ये नेगेटिव होता है तो ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में e रेज टू पावर z बाई में n। तो आपकी वैल्यू सिमिलर वैसे ही आएंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं, तो ये आपके पास गामा जेड आ जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम पुट अप करेंगे दोनों साइड, इधर लॉग मॉडुल गामा ऑफ जेड, इधर क्या आ जाएगा आपका जो प्रोडक्ट है ये किस में चेंज हो जाएगा, आपके समेशन में, यानी एडिशन वाले में। और आपके पास क्या आ जाएगा, अब पहले किसका करेंगे, इसका, जैसे ही लॉगरिथम पुट अप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड बाई एन। ठीक है, इसमें जब लॉगरिथम पुट अप करोगे तो आपको पता है ये नेगेटिव है, नेगेटिव पावर आपके क्या आ जाएगी, आगे नेगेटिव लॉग आपका वन प्लस में जेड बाई में एन। ठीक है, माइनस में आपका ये क्या, लॉगरिथम यहाँ पे पुट अप करोगे लॉग ऑफ ई क्या हो जाएगा, वन, ये जो पावर है ये आपके क्या आ जाएंगे, आगे माइनस में गामा जेड, और आपका जो नीचे जेड है ये किस में रह गया, आपका माइनस में लॉग ऑफ जेड। ठीक है, इसके बाद आपके पास सबसे पहले इस वाले की वैल्यू हमने निकाली है, बस सिर्फ आपकी क्या है, समेशन की वैल्यू चेंज है, अदरवाइज आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हो कि ये किसके इक्वल आएगा, लेमा फर्स्ट में। लेमा फर्स्ट में क्या निकाला था कि n इज इक्वल टू वन से n माइनस वन तक है, z बाई में n माइनस में लोग वन प्लस में z बाई n की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, जीरो से n आपका इंटीग्रेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर u माइनस में वन बाई टू प्लस u बाई में u प्लस z इंटू में du प्लस में लोग फैक्टोरियल एन माइनस वन प्लस में जेड इंटू में वन प्लस वन बाई टू टेंस टू वन बाई में एन माइनस वन तक, माइनस में एन माइनस वन बाई टू प्लस में जेड लोग एन प्लस जेड प्लस में वन बाई टू प्लस में जेड लोग जेड प्लस में एन। ये वैल्यू आप लेमा फर्स्ट में प्रूव कर चुके हो। लेमा सेकेंड में आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, लोग फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये आपके पास क्या आई थी, एन माइनस वन लोग एन माइनस में एन प्लस सी प्लस में जीरो वन। सी आपका क्या था, कॉन्स्टेंट था, जीरो वन आपका ऐसा फंक्शन है या फिर ऑर्डर ऑफ वन, जैसे भी आप इसको बोलना चाहो बोल सकते हो, ये आपके पास ऐसा फंक्शन है कि एन जब आपका इन्फिनिटी पे जाएगा तो वो फंक्शन आपका किस पे जाएगा, जीरो के ऊपर। ठीक है, इसके बाद है आपके पास इसकी वैल्यू, हम इसमें क्या करेंगे, जहां पे भी आपका लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल आपका क्या है, लॉग फैक्टोरियल एन माइनस वन है, यहाँ पे आपकी ये वाली लेमा टू की वैल्यू रख देंगे। लेमा टू की वैल्यू रखने के बाद आपके पास क्या आ गई, सारी वैल्यू ये चेंज बैंक में आ गई। ठीक है, ये आते ही आपने जैसे ही गामा कांस्टेंट निकाला था, गामा कांस्टेंट किसके इक्वल आया था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस में वन बाई टू प्लस में वन बाई एन तक और माइनस में लॉग एन प्लस वन तक, और एन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस में वन बाई टू प्लस में वन बाई में एन माइनस वन माइनस में लोग एन। ठीक है, यहां से हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इस वाली की, सिर्फ ओनली इन टर्म्स की। ठीक है, इन टर्म्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या लिखोगे कि आपका ये किस साइड में चला जाएगा, इस साइड। ठीक है, गामा एन प्लस में आपका क्या है, फैक्टोरियल यानी सॉरी लोग एन प्लस में गामा प्लस में आपने क्या किया, ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है n कहाँ पे गया आपका, इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि n जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो जो भी फंक्शन आपका रहेगा जीरो के ऊपर जा रहा है उसको किसको, इससे डिनोट कर दिया, यानी आपने लिमिट हटा दी है यहाँ से। उसके बाद क्या किया आपने, लॉग n प्लस जेड,
क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, लॉग एन प्लस जेड है, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपने एन कॉमन ले लिया, जैसे ही एन कॉमन लोगे तो क्या बच गया, वन प्लस में जेड बाई में एन, लॉग ए इंटू बी लगा दिया, लॉग ए प्लस में लॉग बी। यहाँ से आपने क्या किया, लॉग वन प्लस में एक्स की एक्सपेंशन खोल दिए। जैसे ही एक्सपेंशन खोलोगे आपकी फर्स्ट वाली टर्म ये आ जाएगी, उसके बाद क्या है एन स्क्वेयर में आएंगी, वो फिर से हमने लिख रख दिया आपकी किस में, ऑर्डर ऑफ वन बाई में एन स्क्वेयर, क्योंकि एन को जैसे इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास है जीरो, तो आपने ये इसमें लिख दी। अब इन्हीं सभी वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने फोर दे दिया इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन नंबर फाइव, इनको ये इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं। जैसे इस इक्वेशन में पुट अप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएंगी समेशन एन बाई एन माइनस में लॉग वन प्लस में जेड बाई एन की वैल्यू आ जाएगी, आपका इंटीग्रेशन वाला फैक्टर जो भी है, एन माइनस में वन बाई टू लॉग ऑफ एन प्लस में सी ऑर्डर ऑफ वन प्लस में जेड आपका। अब ये देखो आपके पास क्या है कि यहाँ से जेड ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे है, इसमें आपकी ये वाली टर्म पुट अप कर, ठीक है, वो क्या आ गई, जेड इंटू में लॉग एन प्लस में गामा प्लस में ऑर्डर ऑफ वन प्लस में जेड प्लस वन बाई टू लॉग जेड। उसके बाद आपके पास क्या है, सेकंड है, आपके पास क्या थी, एन माइनस में वन बाई टू प्लस एड लॉग एन प्लस में जेड, ये भी वैल्यू आपने निकाली है, कैसे, एन प्लस में जेड, यहां से एन कॉमन लेके ये वाली एक्सपेंशन खोल के ये वैल्यू ऑलरेडी आपकी आ चुकी है, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है इसकी बजाय, ठीक है। जैसे यहाँ पे रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। एक एन आपका ऑलरेडी पहले से चला हुआ है और प्लस एन आपका पहले से आ रहा है और माइनस एन आपके लेमा टू वाले से आएगा, तो यहाँ से एन से एन कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर आपने क्या किया, सारी वैल्यूज रख के सबको आपने अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर, सॉरी सेपरेशन में लिख दिया, कैसे, जैसे ये जेड इंटू में तो हमने क्या किया, जेड लॉग एन प्लस में जेड गामा प्लस में जेड ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये माइनस में है, एन की वैल्यू इसके साथ रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में एन लॉग एन, ठीक है, आपके पास ये रही माइनस में एन लॉग एन। उसके बाद क्या है आपके पास, माइनस में एन, ठीक है, इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा, जेड बाई में, अब एक चीज और, माइनस में एन माइनस में सॉरी जेड बाई में एन, एन से एन कैंसिल आउट होके आपके पास एक क्या, सॉरी एन है, इस माइनस एन का तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे, एक के तो क्या आ गया, माइनस में एन लॉग एन, सेकंड से क्या आ जाएगा, माइनस में एन इंटू में जेड बाई एन, एन से एन कैंसिल होके क्या बचेगा आपका, जेड। उसके बाद क्या हो गया आपका, एन की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसी तरीके से आपकी माइनस में वन बाई टू की, इसी तरीके की जेड की इनके साथ मल्टीप्लीकेशन करके आप इसमें लिख दोगे। उसके बाद क्या करनी है, जितने भी टर्म कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर देंगे, जैसे एन लॉग एन है, ठीक है, यहां से आपकी एन लॉग एन है, ये कैंसिल हो गई, ये प्लस में ये माइनस में, ये आपका प्लस में वन बाई टू लॉग एन, आपका यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये प्लस में, ये कैंसिल आउट हो गया, जितने भी टर्म्स आपके हैं सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ वन बाई में एन वाली बचेंगी। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एन को इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, यदि एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो वन बाई में एन में जितने भी टर्म्स है कहाँ पे जाएंगे, जीरो के ऊपर, ठीक है। ऑलरेडी ये क्या ऑर्डर ऑफ वन वाले फंक्शंस को क्या बोल रहे हैं, आपका एन इन्फिनिटी पे गया हुआ है, यानी आपका एन इन्फिनिटी पे जाता तो ये फंक्शन किस पे जाएगा, जीरो के ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या करोगे, जीरो पुट। जेड बाई में एन है, एन इन्फिनिटी पे गया है, तो ये भी क्या हो गया, जीरो। आपका ऑर्डर वन बाई में एन स्क्वेयर है, ये वही फंक्शन है कि एन इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये फंक्शन कहाँ पे जाएगा, जीरो, तो इसकी वैल्यू भी क्या पुट अप कर सकते हो, जीरो। ये ऑर्डर है वही है, ये भी क्या है, जीरो। एन है, एन इन्फिनिटी पे गया, वन बाई में एन, ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। सिर्फ आपके पास क्या बचेंगी, ओनली ये टर्म्स बचेंगी, ठीक है, आपका क्या बचेंगे, आपके पास जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यू माइनस में वन बाई टू प्लस में यू, यू प्लस जेड डी यू प्लस में सी प्लस में गामा जेड प्लस में जेड प्लस वन बाई टू लोग जेड माइनस में जेड, ये सारी वैल्यू बच जाएंगी। ये अब वैल्यू आप, इसकी वैल्यू निकाली हमने अब तक, और इसको किस में पुट अप करेंगे हम, आपका जो स्टार्टिंग में ही लॉग ऑफ गामा जेड है, आपने लॉग ऑफ गामा जेड किसके इक्वल रखे हैं, ये वाली वैल्यू से, तो इसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है, उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे, उन वैल्यूज को जैसे इसमें रखा तो आपके पास क्या है, ये वाली आ गई, ठीक है। यहां से आपका माइन एक गामा जेड पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, वो कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है, जो टर्म्स कैंसिल हुए हैं उनको कैंसिल कर दिया। अब ये देखो, ये वाली इसको यदि अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में जेड लॉग ऑफ जेड प्लस में वन बाई में टू लॉग ऑफ जेड, ठीक है, और इधर क्या माइनस में लॉग ऑफ जेड, तो यहाँ से इन दोनों से क्या हो जाएगा आपके पास माइनस में वन बाई में टू लॉग ऑफ जेड। फिर इसमें से दोनों से क्या लिख सकते हो, कॉमन लिखे लॉग ऑफ जेड, जेड माइनस में वन बाई में टू लॉग ऑफ जेड, ये यहाँ पे यही लिखा है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि जो कॉन्स्टेंट सी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, अदरवाइज इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो आपके जो पहले वाले लेमा किए हैं उनसे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं क्या, वन बाई में टू लॉग ऑफ टू पाई, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे सी की बजाय रख दोगे ओ सेम एज इट इज। फिर हम ये कह रहे हैं कि आपका जो ये इंटीजर है, ठीक है, ये आपका जीरो, इसको हम कह रहे हैं कि ये आपका क्या है, एरर टर्म है, और एरर टर्म है कब, जब आपका मॉडुलस ऑफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कहाँ पे जाएगा आपकी जीरो के ऊपर, ठीक है, यानी आपका एरर खत्म हो जाएगा जब आपका मॉडुलस ऑफ जेड इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये किस, हमने कर दिया मॉडुलस ऑफ जेड आपका कहाँ गया इन्फिनिटी के ऊपर, तो लॉग ऑफ ये जेड किसके सिमिलर हो जाएगा, वन बाई में टू लॉग ऑफ टू पाई, ठीक है, ये आपका जीरो बच गया, ये सेम एज इट इज रह गई आपकी, ठीक है। जैसे ये सेम एज इट इज रहे आपने क्या किया, अब टर्म्स को एक साइड में कर लिया, ये वाली टर्म हम पहले ले आई, ये यहाँ पे ये आपकी एज इट इज यहाँ पे, उसके बाद आपको पता है लॉग है यहाँ पे क्या है लॉगरिथम है, तो ये वाली किस में पावर में चली जाएगी, जेड की पावर जेड माइनस वन बाई टू, ये क्या है एक्सपोनेंशियल में हो जाएगी ई रेज टू पावर माइनस जेड, ये आपकी फिर से क्या हो जाएगी लॉगरिथम में है, तो पावर में अंडर रूट में टू पाई, लॉग आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो लॉग दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका गामा जेड किसके सिमिलर हो गया, जेड के पावर जेड माइनस वन बाई टू ई रेज टू पावर माइनस जेड अंडर रूट में टू पाई, कब, जब एज मॉडुलस ऑफ जेड आपका कहाँ गया है इन्फिनिटी के ऊपर, और यही आपका क्या है स्टीयरिंग फॉर्मूला, ठीक है।